पहले वाले में मैं फेल हो गया रूल्स वाले में और जो दूसरी वाली है उसमें मेरे को बहुत सही आ गया मतलब आई थिंक फुल आए थे जो भी है वो मुझे फिर से अटैम्प्ट करनी पड़ेगी एक में फेल हुए एक में पास हुए ऑल राइट सो हाई एवरी वन माई नीम साथ कैन वेलकम बैक टू माई चैनल आज के इस वीडियो में हम जीवन टेस्ट के लिए जा रहे हैं और इसके लिए मैंने दो तीन घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया प्लस जितना भी डेढ़ घंटा मुझे अभी ट्रैवलिंग के टाइम पे मिलेगा उतना मैं करूँगा कौन से कौन से वीडियोज़ में से वेबसाइट में से और ऐप में से वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ अभी मुझे एक बस कैच करनी है बिफोर आई मिस द बस बिकॉज एक बार यहाँ पर बस मिस कर दे तो काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है सो सी गाइज सून तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप बाहर कहीं पर जाओ तो टेम्परेचर का फोरकास्ट देख के ही जाना और सिर्फ टेम्परेचर का नहीं जो भी वेदर का फोरकास्ट है पूरा देख के जाओ विंड स्पीड भी देखना क्योंकि बाहर ऐसा है कि टेम्परेचर अगर नौ डिग्री है लेकिन विंड स्पीड अगर इतनी फास्ट है तो वो नौ डिग्री भी बहुत पेनफुल होगी आपके लिए तो इसलिए ये ग्लव्स और हेड गेयर होता है कैप होती है आपकी वो पहन के या साथ में एटलीस्ट ले लो कि अभी नहीं तो जब लौटते वक्त रात हो जाए तो शायद तब आपको काम में आए बट वेदर देख के निकलना बाहर हाँ तो जो एग्ज़ाम होती है वो दो हिस्सों में होती है सबसे पहले जो होती है वो ट्वेंटी मार्क्स की होती है रूल्स रिलेटेड और जो बाकी होती है वो सिंबल्स रिलेटेड जो साइंस एंड सिंबल्स होते हैं तो पहले वाले में मैं फेल हो गया रूल्स वाले में और जो दूसरी वाली है उसमें मेरे को बहुत सही आ गया जो भी है तो जो वापस जो मेरी रह गई थी जो रूल्स वाली वो मुझे फिर से अटैम्प्ट करनी पड़ेगी बट एनी एक में फेल हुए एक में पास हुए तो यहाँ पे एक सब्रे था तो बस यहाँ पे खाने आ गया तो फेल हुआ उसके लिए तो वापस एग्जाम दे देंगे जिसमें ये मस्त पास हो गए उसके लिए सेलिब्रेट कर लेते हैं सो सी हुआ इस आफ्टर आई हैव माई लंच और फिर बात करते हैं सारी तो मैंने एग्ज़ाम फाइनली क्लियर कर दी मेरी और इसके बारे में जो भी सारी डिटेल्स है वो घर पे जाके बात करते हैं जहाँ पे इतना डिस्टर्बेंस uh, ना हो ओके okay, तो अब मैं घर आ गया हूँ और अब हम ये बात करेंगे कि वहाँ पे क्या प्रोसीजर था क्या प्रोसेस था क्या क्या उनके साथ बातें हुई मैंने क्या गलतियां की और फिर जब सेकेंड अटेम्प्ट थी मेरी तब मैंने क्या क्या ट्रिक्स लगाए जिसकी वजह से मैं क्लियर कर दिया मैंने तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है यहाँ पे बस जो भी टेस्ट सेंटर है वहाँ पे आपको वॉक इन करना है कूपन लेना है और कूपन जिस काउंटर पे आता है बस वहाँ पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है सबसे पहले आपका पासपोर्ट पासपोर्ट और इसके अलावा अगर आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट है तो डीएल एक्सट्रैक्ट देना है और उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस भी देना है और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस के वो आपको डीएल एक्सट्रैक्ट के ऊपर कोई एग्जेमशन या कोई भी आपको क्रेडिट्स ट्रांसफर नहीं करेंगे तो ओरिजिनल लाइसेंस जो है वो लेके जाओ उसको वो स्कैन करेंगे तो डुप्लीकेट भी मत लेके आना डुप्लीकेट भी यहाँ पर चलेगा नहीं तो ये हो जाने के बाद आपको पेमेंट करना है पेमेंट के लिए आप कार्ड से करो आ, वो वो ही वो लोग प्रेफर करते हैं तो कार्ड से पेमेंट करो आप और जब भी आप पेमेंट करो तो हो सके तो आपके पास अगर स्कॉशिया बैंक का कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना ताकि आपको अगर सीन पॉइंट्स अगर मिल रहे हैं उस बात के तो ज़्यादा सीन पॉइंट्स मिले और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बनेगी और जल्दी से उसको पे ऑफ भी कर देना अब 106 डॉलर्स का पेमेंट है सबसे पहले जीवन टेस्ट के लिए 90 डॉलर्स लाइसेंसिंग फीस और 16 डॉलर्स की आपकी टेस्ट मेरे लिए टेस्ट का डॉक्यूमेंट वो रेडी कर रहे थे और उसके पहले एक डिक्लेरेशन उन्होंने मुझे दिया एक आई ग्लासेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि भाई आपको क्या आई ग्लासेस जरूरी है ड्राइविंग के लिए तो ये जो चीज है वो उसमें आप उनको एक बार बता देना कि भाई मुझे स्पेसिफिकली कोई डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला है कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है अगर आपको बोला है तो वेल एंड गुड अगर नहीं बोला है तो सिर्फ येस yes मत कर देना उनको बोलना वो आपको वहीं के वहीं एक आई टेस्ट करके दे देंगे आपकी और वो बता देंगे आपको कि आपको येस लिखना है कि नो लिखना है बेस्ड ऑन योर रिजल्ट ऑफ योर आई टेस्ट तो ये दो ही बातें ये फॉर्म के बारे में बतानी थी इसके बाद जब एग्जाम शुरू हो जाती है तो ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं उसको ही अटैम्प्ट करना एक स्किप का बटन है उसको इग्नोर मत करना उसको यूज करना अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो उसको स्किप में रखना अब मेरी क्या गलती हुई थी ये बात करते हैं पहले तो एग्ज़ाम के दो पार्ट्स हैं जो फर्स्ट ट्वेंटी मार्क्स है वो है आपके रूल्स के और जो सेकंड ट्वेंटी मार्क्स है वो है आपके साइंस रोड साइंस एंड सिंबल्स के तो रूल्स क्या होते हैं सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फाइंस होते हैं यहाँ पे जो डीमेरिट्स का जो सिस्टम है डीमेरिट्स मतलब आपने कोई गलत तरीके से कोई गाड़ी चला दी या कोई भी मिस्टेक कर दिया कोई भी मिसकंडक्ट किया आपने तो आपके लाइसेंस पे नेगेटिव पॉइंट्स एड होंगे और ये नेगेटिव पॉइंट्स आपको एक बैड हिस्ट्री यहाँ पे देते हैं तो इसमें कौन सी एक्ट पे कितने डीमेरिट्स पॉइंट्स होते हैं क्या एक्ट करने पे कितने दिन के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है क्या एक्ट करने पे कितना फ़ाइन होता है क्या एक्ट करने पे कितनी जेल होती है तो ये सारी चीज़ें से मुझे अपना फर्स्ट सेमेस्टर आई I मीन mean, फर्स्ट ईयर याद आ गया मोटर व्हीकल्स एक्ट का तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक या दो दिन पहले ये प्रिपेयर करके आओ ना कि मेरी तरह तीन चार घंटे पहले ठीक है मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर हो गया लेकिन पहली बार तो मैं भी फेल हो गया था तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अगर इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है आपने इतने लॉज इसके मोटर व्हीकल्स के आपको इतने प्रैक्टिस नहीं है वहां पे तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा तो एक दो दिन की प्रैक्टिस कर लो जो भी मैंने लिंक्स दिए उन सारी लिंक्स को विजिट करो जो भी वहां पे डेटा अवेलेबल है वो सब प्रैक्टिस करो आप तो वो पहली मेरी मिस्टेक हुई थी कि मेरा थोड़ा प्रिपरेशन कम था अब दूसरी बात क्या थी कि मैंने वहां पर जो आंसर्स मुझे नहीं आते थे उसमें मैंने रैंडम आंसर्स डालना शुरू कर दिया

उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था और उसमें मैंने आराम से क्लियर कर दिया था लेकिन जो रूल्स वाला था उसमें मेरे आ, कम आए थे मार्क्स तो उसमें कम आए थे लेकिन दूसरा तो मेरा क्लियर हो गया था ना तो अब मेरी दूसरी अटैम्प्ट में मुझे सिर्फ वही देना है जिसमें मैं फेल हुआ था ना कि मुझे 40 के 40 मार्क्स के फिर अटैम्प्ट करने हैं तो वो हो गया तो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको सिक्सटीन डॉलर्स वापस डालने या नहीं डालने बहुत बड़ी मार्जिन से दोनों में फेल हुआ आप तो कुछ दिन के बाद आ जाइए अब मैंने कैसे किया इसको सेकेंड टाइम अटैम्प्ट तो सबसे पहले कि जो मुझे नहीं आते थे उसको मैं स्किप करता गया तो आई थिंक लास्ट में सिर्फ छः क्वेश्चंस बचे थे जिसको मैंने आंसर नहीं दिया था फ़ोर्टीन के फोर्टीन जो थे मेरे राइट right थे तो अब मुझे पता कैसे चला कि वो फोर्टीन के फोर्टीन हंड्रेड परसेंट राइट है तो भाई सिस्टम के अंदर जैसे मैं कोई आंसर सिलेक्ट करके सबमिट करता हूँ अगर वो गलत होता है तो तभी के तभी मुझे वो लोग वहाँ पर रेड कलर करके जो राइट right आंसर है वहाँ पर ग्रीन शेड आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जो आंसर है वो गलत है तो आपको मेंटली एक काउंट भी रहेगा कि अब इतने ऑलरेडी मेरे गलत हो गए आपको ट्वेंटी में से सिक्सटीन चाहिए तो उस हिसाब से आपको गिनती दिमाग में रखनी है तो अब मेरे पास फोर्टीन राइट आंसर्स थे विच मीन्स मेरे पास फोर्टीन मार्क्स थे और बाकी जो मेरे बचे थे तो अब जितने मेरे बचे थे उसमें से मुझे कोई भी नहीं आते थे हंड्रेड परसेंट नहीं आते थे तो इसमें मैंने कैसे किया कि पहले तो मैंने रिस्क रिड्यूस कर दिया मुझे पता चल गया कि भाई अब जितने बचे उसमें से मुझे सिर्फ दो राइट होने चाहिए मेरा फिफ्टी मार्क मुझे मिलना चाहिए और मेरा सिक्सटीन मार्क मुझे मिलना चाहिए अगर मेरे सिक्सटीन मार्क्स मुझे मिल जाते हैं तो ट्वेंटी में से सिक्सटीन का मिनिमम पासिंग परसेंटेज मुझे मिल जाता है तो जैसे ये छह क्वेश्चन बचे तो आपको उसको कैसे अप्रोच करना है कि भाई एक क्वेश्चन मिला आपको उसमें एक ऑप्शन या दो ऑप्शन बिल्कुल नॉनसेंस होंगे और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं सच में बोल रहा हूं लाइक एक देर दर इज अ क्वेश्चन कि आपको बार बार पीछे क्यों देखना चाहिए कुछ टर्न uh, करते वक्त ऐसा वो कोई क्वेश्चन है उनका तो पीछे क्यों देखना चाहिए उसमें से एक ऑप्शन लिटरली ये है कि इट इज़ अ गुड नेक एक्सरसाइज इसलिए बार बार पीछे देखना चाहिए तो आपको ये पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही रिडिकुलस है तो आप वो ऑप्शन को पहले निकाल दो उसके बाद देर आर हाई चांसेस के एक और ऑप्शन ऐसा आपको मिलेगा जो, जो बिल्कुल ही यूजलेस uh, है तो दो ऑप्शन आपके वहीं के क्लियर हो गए नाव यू हैव टू डिसाइड ओनली बिटवीन टू ऑप्शन तो इस तरीके से रिस्क रिड्यूस कर करके आप uh, कैसे भी करके बस सिक्सटीन का मार्क क्रॉस कर दो तो ऐसे मैंने किया और बाकी के जो भी रिमेनिंग थे उसको इसी तरीके से अप्रोच किया और मेरा जो सेकेंड अटेम्प्ट था वो इस तरीके से क्लियर हो गया तो जैसे ही मेरा क्लियर हो गया वहाँ पे उन्होंने मुझे तभी के तभी जीवन लाइसेंस प्रिंट करके दे दिया और फिर उन्होंने मेरा एड्रेस लिया उसी एड्रेस पे आपको तीन हफ्ते या चार हफ्तों में आपको जीवन लाइसेंस आपका आ जाएगा जब वो हो जाता है ओनली आफ्टर दैट यू कैन यूज़ दैट लाइसेंस एज योर लोकल आई क्योंकि उसमें आपका फ़ेस होता है जब आपको प्रोविजनल देते हैं उसमें आपका फेस नहीं होता है और ये फेस वही होगा जो आपका टेस्ट डे के दिन आपका क्लिक किया है उन्होंने तो आपका जो भी कनाडा में आके लेटेस्ट आपका जो भी आ, फेस जैसा भी दिख रहा होगा हेयर स्टाइल है या बियर्ड है या जो भी है वो वैसा ही होगा तो मेक श्योर sure कि आप उसी तरीके से वहाँ पे आओ जिस जैसा फेस आप मेंटेन करने वाले हो जो आपको आईडी पे आ जाए तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस था अब जीवन तक का तो मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है अब जो भी मेरा आगे एक्सपीरियंस रहता है मैं कौन सी ड्राइविंग स्कूल में जाता हूँ वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहता है क्या फ़ीस होती है उसके बाद मेरे जी लाइसेंस की एग्ज़ाम का शेड्यूलिंग में कब करता हूँ वो पूरी जर्नी जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस करूँगा वैसे वैसे हम देखते जाएंगे सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड थैंक यू सो मच